अकेला अकेला चलेगा, मेरे को छोड़ दे यहीं। पतली बड़ी है उसको नहीं आ रहा हूं। बेटा कभी शादी मत करना। तो आज एक इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाता हूँ। तो जब से मैं दिल्ली से आया हूँ ना, दिल्ली से, तब से ये बैग ऐसे ही रखा हुआ है। आज ये खाली होगा बिकॉज पैक करना है बैग। थोड़ा गंदा हो रहा है बट चलेगा, कोई नहीं। तो गाड़ी में जाना है, ऐसे ही आना है। ये तुम्हारी घर में पहनी। मम्मी पापा का यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है कि कौन सी कहाँ क्या पहनी जाएगी। ये सारा काम मम्मी पापा से ही कहते हैं कि यार ये बताओ यहाँ क्या करें, वहाँ क्या करें। तो इंजॉय द डिस्कशन। घर सुकट वाले दिन के लिए हो जाएगी ये वाली, जो तुम्हारी जो है क्या नाम कहते हैं कि एक और एक्स्ट्रा हो गई। तो घंटे पे घंटे बीतते जा रहे हैं, मम्मी के बैग पे बैग बढ़ते जा रहे हैं। ये वाला बैग उतरने की नौबत आ गई है। मम्मी के कपड़े तीन बैग में जाएंगे, मेरे पापा और अंकुल के कपड़े हो चुके हैं एक बैग में, ये इसमें भी मम्मी के कपड़े रखे हुए हैं, ये इसमें छोटे वाले बैग में हम तीनों के कपड़े आ चुके हैं। मम्मी को अकेले को चाहिए उतना बड़ा। क्या कह रहे हो? आओ बेटा कभी शादी मत करना। क्यों? ये बड़ा महंगा फल है यार ये। देखो पड़ गया बिल्कुल ये। अरे यार तो अच्छा मैं कर दूंगा, लो लाओ। अब देखो एक बार में अगर ना डाल दिया ये, एक सेकेंड रुको यार, कंसंट्रेशन चाहिए होता है यार इसमें, रुको एक सेकेंड। ये अरे यार ये लो भैया, ओजी हैं हम, ओजी ओरिजिनल गैंगस्टर जिसको कहा जाता है। देखिए मम्मी कहाँ रखे गई हैं, इसके अंदर सब सामान रखा है मम्मी का। मम्मी कहाँ रखे गई थी, कपड़े खराब हो गए कहाँ रखे गई? ये देखो नीचे, ये अंदर चले गई। चाहे ऐसे क्यों रखी गई यहाँ पे? अरे यार जरा दो मिनट तुम बाप बेटे हमें बिल्कुल तसल्ली नहीं लेने देते हो। सुबह राम पतले पड़ी है उसको नहीं आ रहा हूँ। सुबह के 9 बजे श्रीमती जी सो रही है, बच्चों की फौज बैठी मेरी जान को रो रही है। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि सामान ऑलमोस्ट पैक हो चुका है। पापा मेरे और अंकुल के कपड़े आए हैं सिर्फ 2 बैग में, मम्मी के अकेले कपड़े आए हैं 3 बैग में। अभी तीसरा वाला उतार रहा हूँ मैं। इसमें एक मम्मी के कपड़े हैं जिसका हैंडल टूट चुका है, तो अभी हमने बाद में ध्यान दिया क्योंकि जब मैं दिल्ली से आ रहा था तभी टूट गया था, बट चलो कोई नहीं, किसी कार में रखने तो प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मम्मी के जाएंगे, हाँ इसमें भी मम्मी के हो गए, इसमें पापा के मेरे फिट आए हैं, और अभी पापा मेरे और हाँ एक उसमें जाएंगे, एक अभी बैग उतार दूँ पापा एंड टू एंड उतार देता हूँ बैग है। एक ये और तैयार हो रहा है मम्मी के, और गंद मची पड़ी है घर में हर जगह पैकिंग की। जाएगा पीछे हैं तो सामने से आ रहे हैं मिश्रा जी और मिश्रा जी आ रहे हैं। यार मतलब हद होती है गाइस, ये देख लो दोनों लोग मस्त तैयार होके बैग बिल्कुल फिट करके में जा रहे हैं। बाय पर मेरे को लेके नहीं जा रहे हैं, हम मेरे को छोड़ दिया यहीं पे, तो हमें लेके नहीं जा रही हैं शादी में अपने साथ, अकेले अकेले निकल गए। चलो बाय, चलो बाय बाय, अकेले अकेले चलेगा, मेरे को छोड़ गए यहीं। सो वी डिसाइडेड कि पापा चले जाएंगे मम्मी लोग के साथ, और कल मैं आ जाऊँगा, कल मैं और अंकुल साथ में आ जाएंगे क्योंकि उसकी थोड़ा सा काम करना था, उसका मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्क था, पापा का ही कुछ काम था वो करके, कल मैं और अंकुल निकलेंगे। एक्चुअली शायद से कल वहाँ पे क्योंकि ये कार वार से, क्योंकि बरेली इज़ अ वेरी क्राउडेड सिटी, तो वहाँ पे टू व्हीलर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी, जो कि खुद के काम आती है। तो शायद से नॉट श्योर, बट स्कूटी या बाइक में से कुछ एक लगे जाए, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 100 किलोमीटर के आसपास भी नहीं होगा शायद, उतना ही होगा। तो बस अब घर बहुत गंदा पड़ा है, साफ करना है। सो मॉम एंड डैड जब चले गए थे तो उनने बताया, जब वो लोग पहुंचे, उनने जब बताया उन लोगों ने कि वो लोग पहुंचे हैं वहां पे, तो ढोल ओल से स्वागत हुआ है भैया उनका, ढोल ओल से, समझ रहे हो? अगर आज हम जाते तो हम ढोल पे नाचते हुए दिखाते आप लोग को कि हम सब बंगला पा रहे होते। चलो कोई बात नहीं, हम लोग कल पहुंचेंगे, फिलहाल अभी मेरे को भूख लगी तो मैंने अपने लिए एक बर्गर ऑर्डर किया है और थोड़ा कुछ और ऑर्डर किया है। ये गली है,
अनियर फेस शीट मास्क होता है वो नहीं, आज ये लगाएगा तुम्हारा भाई। सर टेकन दिस मास्क, मेरा मन कर रहा था लगाने का तो ले लिया। तो गांव वालों मौसम हो रहा है कतई सुनसान, मौसम नहीं मोहल्ला मौसम कह रहा हूँ, मोहल्ला हो रहा है कतई सुनसान, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है हर जगह, पता नहीं क्या लाइट गई हुई है क्या नहीं। यहाँ तो है ये गार्नियर फे सॉरी लैक्मे है यार, मैं क्या तीर से गार्नियर बके पड़ा हूँ। सो लैक्मे का ब्लशिंग ग्लो करके है ये कुछ शीट मास्क, अभी थोड़ी अच्छा पोमेग्रेनेट पंच है, मेरे को लगा है क्या लिखा है, चलो छोड़ो। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये चीज़ मैंने हुमा कुरैशी को लगाए हुए देखा, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना लगाया जाए हुमा। लेट्स ट्राई दिस। भाई गर्मी लग गई है खोलते ही, इतनी ज्यादा बढ़िया लग रही है, इसकी फ्रेग्रेंस तो बहुत अच्छी लगी मुझे। हाँ जी चलो जी स्टार्ट करते हैं लगाना, ये वैसे मैं फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ, ये मुझे पता नहीं है। इसमें लिखा है पहले मेकअप निकाल लो, तो मैं अपना मेकअप तो निकाल चुकी। अब ये तो पूरा भाई साहब छीछा लेदर ना हो जाए मुझे ऐसे, भाई क्या है ये डोसे जैसा। सॉरी भाई लगाने के लिए शीशे के सामने जाना पड़ेगा। भाई मुझे किसी चीज से शिकायत नहीं है इसमें, मुझे किसी चीज से शिकायत नहीं है, बस एक बात पूछनी है कैसे लगा लेती हो ये, इतना ठंडा नहीं लगता है। बाकी सब ठीक है, बहुत बढ़िया यार मजा आ रहा है। सीरम चला गया मुंह में, ठीक है पूरा फिट बैठा है, अच्छा लग रहा है। प्लीज ये अब देख के ये मत कहना कि ये तो लड़के का झंझे, ठीक है। कौन हूँ मैं किसकी मुझे तलाश। तो अब ये टाइम आ चुका है इस डोसे को निकालने का, पहले ये बंद कर दूँ मैं। चलो ऊपर से कोई झांक रहा था क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो टाइम आ चुका है फाइनली इस डोसे को बाहर निकालने का। ऋषभ भैया कैसे किया ये। तो गाइस वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल था, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं था, खाली कुछ छोटी बहुत सराउंडिंग्स थी जो मैंने आप लोग को दिखाई। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हो तो जो लाल वाला बटन है उस पर अगर आपके बाजू में कोई बैठा तो उसको उठाओ और फेंक के मारो, लेकिन सब्सक्राइब कर दो। जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना दूंगा। ओके आई हेल्प यू। बेल आइकन को प्रेस कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, ये बोल दिया था लेकिन फिर से बोलेंगे कोई बात नहीं। और फेस पे ग्लो वगैरह का तो कुछ पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, बट उतना मुझे कुछ खास फर्क दिखता नहीं है, बिकॉज वैसे भी आपका गोरे चिट्टे मुंडे आपका ब्राउन मुंडे, नो इश्यूज विद दैट। थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइस टुमारो विद इंटरेस्टिंग व्लॉग। कल हम लोग जा रहे हैं मेरी बहन की शादी में, और सुबह होते ही मैं जिम जाऊंगा, उसके बाद मैं नहाऊंगा, उसके बाद मैं पॉटी जाऊंगा, नहीं पहले उठूंगा पहले पॉटी जाऊंगा। चुप हो जाओ बताऊंगा मैं, चलो बाय टेक केयर, बाय।